So let's proceed. So the first thing that comes to us is uses of minerals. So let me tell you one thing, minerals क्या हैं ये हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी डेली लाइफ में हर वो चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी मिनरल का बना हुआ है, ठीक है? आपके टूथपेस्ट से लेके आपकी गाड़ी तक, आपके साइकिल से लेके आपके सॉल्ट तक, उसमें क्या है वो एक मिनरल से बना हुआ है, एक और बहुत सारे अनेक मिनरल्स के बना हुआ है। इसी में वो बात बताने की कोशिश की गई है इस पूरे पैराग्राफ में कि जो मेजर मेजर एक दो चार एग्जाम्पल्स लेके बताया हुआ है कि मिनरल्स कहाँ कहाँ आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें मेजरली लिया हुआ है कि हार्ड मेटल के जो मिनरल्स होते हैं, याद है हमने मिनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहां पे हमने हमने पढ़ा था कि एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स, एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो जो मेटालिक मिनरल्स यानी जो हार्ड मिनरल्स होते हैं, उन हार्ड मिनरल्स का ज्यादातर यूज किया जाता है जेम्स इंडस्ट्री में। फॉर ऑब्वियस रीजन क्यों किया जाएगा कि ताकि जेम्स को जो सपोर्ट चाहिए मेटल से, एक मिनरल से, वो उसको मिल सके। अगर आप नॉन मेटालिक मिनरल या कोई सॉफ्ट मिनरल लगाओगे तो उसमें वो जो जेम फिट होना चाहिए वो जेम फिट तो हो जाएगा शायद, मगर आगे वो स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा कॉपर की बात की गई है कि कॉपर जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल मिनरल है और उसको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ वो हम देखेंगे पिक्चर्स के माध्यम से। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही स्ट्रांग मेटल है और मिनरल है, जिसकी वजह से उसको वाइड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सिलिका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ से वो मिलता है, ये सब हम देखेंगे इस पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन में इस वाली स्लाइड में। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जेम्स में, जेम्स को सपोर्ट करने के लिए जो मिनरल्स की जरूरत होती है वो ज्यादातर हार्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। दूसरा ये कॉपर, कॉपर की पाइप्स भी बनती है, कॉपर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंस है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें गूगल पे कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है, बट अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की बात करें। कॉपर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी बड़ा काम का है, इसके अलावा उसको पाइप्स में और क्वाइंस में भी यूज किया जाता है। सिलिका, सिलिका ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है किसके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कि इनमें से कौन सा मिनरल जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि जो भी चिप लगती है वो सिलिका की ही बनी रहती है, और ये सिलिका जो चिप है वो किससे किससे हमें डिराइव होती है, ये हमारे को डिराइव होती है क्वार्ट्ज से, किससे, क्वार्ट्ज से। इसके अलावा एल्यूमिनियम का यूज बताया है कि गाड़ी से प्लेन तक, आपके यूटेंसिल्स तक, इसके अलावा बॉटलिंग इंडस्ट्री में और तमाम अलग जगहों पर एल्यूमिनियम का यूज होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन जो बुक में नहीं दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट वेट मिनरल है और काफी ज्यादा टफ है, मतलब काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है और लाइट वेट भी है। इसकी वजह से क्या होता है, इसको ऐसी जगहों पर यूज किया जा रहा है जैसे कि प्लेन्स और गाड़ी की, ताकि उड़ने में और चलने में लाइट वेटेड रहे और साथ ही साथ वो रेजिस्टेंस और वो स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहेगी, तो उससे क्या होगा वो बेहतर तरीके से परफॉर्म अपनी चीज कर पाएगा। इसके अलावा ये तो केवल कुछ मिनरल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, बाकी मिनरल्स भी हैं। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है कि आयरन जो मिनरल है वो बैकबोन है सारी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि जो बाकी इंडस्ट्रीज में मशीनरी यूज होती है वो मशीनरीज आयरन की ही बनी रहती है, एक्चुअली स्टील की बनी रहती है, वो स्टील आयरन से बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैकबोन इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? बैकबोन इंडस्ट्री। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर एडिशनल नॉलेज।